की कुछ बड़ी खबरें हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे आंकड़े हमारा फैसला का भी। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मुकाबले की। तो सुपर एट का मुकाबला फिलहाल खेला जा रहा है सेंट लुसिया के डेरेन सामी स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मास ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने तेज शुरुआत की है और टीम पावर प्ले में कोहली का विकेट गंवाकर 60 रन बनाए। विराट के आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार के ओवर में 4 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 19 बॉल पर हाफ सेंचुरी पूरी की। वे इस वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक जमाया है। 8 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 93-2 है। कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं और रोहित शर्मा अपनी 50 पूरी कर चुके हैं। बात करते हैं दूसरी खबर की। मथुरा के बरसाना में हुई महापंचायत में शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदीप मिश्रा को क्या दंड देना है, इस पर फैसला लेने के लिए बरसाना में ब्रजवासियों, साधु संतों, धर्माचार्यों की बड़ी पंचायत बुलाई गई है। राधा रानी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पूरे ब्रज धाम में गुस्सा है। महापंचायत में जुटे ब्रजवासी, संत समाज और धर्माचार्यों के बीच प्रदीप मिश्रा को दंड देने के लिए लंबी चर्चा हुई। महापंचायत के मंच पर पद्मश्री रमेश बाबा, संत कुपिश बाबा, पुष्ट मार्गीय संप्रदाय के पंकज बाबा, मां के बिहारी मंदिर के आनंद वल्लभ गोस्वामी प्रबंधक मुनीश, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के गोपीश्वर नाथ चतुर्वेदी, बलदेव मंदिर के रामकटूर पांडे, नंगनाथ मंदिर के सुशील गोस्वामी, बरसाना मंदिर से प्रवीण गोस्वामी, किशोरी श्याम गोस्वामी, संत आदित्यानंद महाराज आदि 200 धर्माचार्य जुटे। साधु संत और धर्माचार्यों का कहना है कि प्रदीप मिश्रा अहंकार में है। प्रदीप मिश्रा ने अमर्यादित टिप्पणी कर राधा रानी का घोर अपमान किया है और कहने पर भी माफी नहीं मांगी है। घंटों चले मंथन के बाद प्रदीप मिश्रा के लिए दंड तय कर लिया गया है, जिसके मुताबिक क्या क्या किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। दंड तय किए गए हैं। बरसाना में आकर माफी मांगे प्रदीप मिश्रा, राधा रानी की चौखट पर माफी मांगने की इच्छा से ही उन्हें आना होगा। राधा रानी के चरणों में आकर उनको नाक रगड़नी होगी। संतों की हाँ होती है, उन्हें तभी माफ किया जाएगा। माफी मांगने नहीं आते तो बरसाना मंदिर में वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। माफीनामे का वीडियो प्रदीप मिश्रा को जारी करना होगा। वीडियो में ये भी कहना होगा कि मेरी मति मारी गई थी कि मैंने राधा रानी के बारे में इन शब्दों का प्रयोग किया, मुझे माफ कीजिए। वीडियो जारी अगर नहीं किया तो ब्रज में किसी भी मंदिर पर पंडित प्रदीप मिश्रा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कुंभ में भी अगर माफी मांगी तो कुंभ से पहले अगर माफी नहीं मांगी तो कुंभ में भी उनकी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाएगी। महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया है कि पुलिस एक हफ्ते के अंदर FIR दर्ज करे, नहीं तो उसके बाद साधु और संत SSP और DM ऑफिस का घेराव करेंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का मध्य प्रदेश में भी विरोध शुरू हो गया है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम के पुजारी रूपम व्यास ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नाक रगड़कर माफी मांगने को कहा है। प्रदीप मिश्रा पर सांदीपनी के पुजारी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में माफी मांगने को कहा है। प्रदीप मिश्रा से कहा है कि उन्हें नाक रगड़नी ही होगी। मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज से भी उन्हें माफी मांगनी होगी। पुजारी माफी नहीं मांगने पर कोर्ट जाएंगे और संदीपनी आश्रम प्रदीप मिश्रा पर शिव पुराण के नाम पर टोने टोटके का आरोप भी लगाया गया है। प्रदीप मिश्रा पर लोगों को बरगलाने का भी आरोप लगाया गया है। हिंदू धर्म का मान्यता के मुताबिक उज्जैन के संदीपनी आश्रम में रहकर ही भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी से 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। आज भी संदीपनी आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वदेशी हथियारों के उत्पादन पर जोर दिया है। पुतिन का कहना है कि रूस केवल अपने सैन्य उपकरणों पर ही भरोसा कर सकता है, वो ऐसा करने में सफल भी होता है। रूसी सैन्य संस्थानों के ग्रेजुएट के साथ बैठक में पुतिन ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय के बजट में बदलाव नहीं किया जाता, इससे वेतन और नए उपकरण बनते हैं और इससे ऑर्डर भी आते हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास आकर हाथ फैलाकर कुछ नहीं देगा, सब कुछ हमें करना होगा और हम ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं।
पुतिन ने स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहे हैं और इसके साथ साथ क्यों जोर दे रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है। रूस के पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रूस दावा करता है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मेंटरोव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अधिक से अधिक देश रूसी हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने में रुचि रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से हथियार खरीदने वालों की देशों की संख्या में तेजी हो रही है। रूस का हथियार उद्योग कितना बड़ा है ये भी जानने की जरूरत है। आपको बता दें, असल में रूस का हथियार उद्योग रूसी संघ में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में नौकरी देता है। रूस अपने हथियार उद्योग को उसकी बदौलत सालाना 3.5 मिलियन रोजगार देता है। रूस में एक साल में कुल नौकरियों का 20% हिस्सा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में शामिल है। 2013 और 17 में वैश्विक हथियारों की बिक्री में रूस का सिर्फ और सिर्फ 22% हिस्सा था जो 2018 और 22 में घटकर मात्र 16% रह गया। 2023 में रूस पहली बार तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभरा और फ्रांस से थोड़ा ही पीछे है। बात करते हैं चौथी खबर की। क्या रूस, ईरान, चीन और वेनेजुएला मिलकर अमेरिका को घेरने में लगे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इन चारों देशों ने अमेरिकी मिलिट्री बेस के नजदीक ही खेती की जमीनें खरीदी। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है। ये दावा न्यूयॉर्क की पोस्ट में छपी एक खबर में किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस, ईरान, चीन और वेनेजुएला ने मिलकर अमेरिका में फार्मलैंड विकसित करने के लिए करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन खरीदी है जो अमेरिका के 19 मिलिट्री बेसों के आसपास है। खबर में दावा किया गया है कि चीन ने यह जमीन सोची समझी रणनीति के तहत खरीदी है। जमीनें फ्लोरिडा के लेकर हवाई तक खरीदी गई हैं जो अमेरिकी सैन्य बेस के लिए खतरा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि खेती बाड़ी के नाम पर चीन के जमीन मालिक अमेरिका की रिकॉन्सेस साइट्स ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड स्कैनिंग ड्रोन्स की तैनाती कर अमेरिकी मिलिट्री साइट्स की डिटेल्स चुरा सकते हैं और अमेरिका के दुश्मनों को भी दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी लगातार आ रही है। कई और सारी खबरें हैं जो आपको चेक आ सकती हैं और कई और भी खबरें हैं जो लगातार आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब बात आंकड़े हमारे, फैसला आपका है।